और यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने असदुद्दीन ओवैसी पर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी यूपी में चुनाव लड़ेंगे तो ज़्यादातर लोग उनसे मजे लेंगे। यूपी में ओवैसी की पार्टी का झंडा लगाने वाला भी कोई नहीं है। ओवैसी के बयानों से सांप्रदायिक हो जाता है चुनाव, ये कहना है यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित का। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा यहाँ आना जाना चल रहा है, वो एक अलग तरह की पॉलिटिक्स, चूँकि आपने बहुत लिखा है इन चीज़ों पर, ये जो यूपी में पॉलिटिक्स आ रही है वो 100 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं, ये जो मुस्लिम वोटों की चर्निंग होगी हो सकती है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? लोकतंत्र में हमने पहले ही कहा कि प्रत्येक दल को, प्रत्येक विचारधारा के मानने वाले को अपना प्रचार और प्रसार करने की छूट है। तो वैसे भी अगर यहाँ आ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादातर लोग मजा लेंगे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन मजा क्यों लेंगे, ऐसा क्यों कहा? मज़ा इसलिए लेंगे कि यहाँ पर अभी तो उनका कोई झंडा लगाने वाला कोई ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। पर आते आते हो नहीं जाएगा जिस तरह से अगर वो बिहार में 5 सीटें उन्होंने जीती लेती हैं? बिहार की परिस्थिति दूसरी रही होगी, लेकिन उनका पूरा जोर जिस धारा को लेकर है वो धारा उत्तर प्रदेश के लोगों को मान्य नहीं है। वो कौन सी धारा है जो आप कह रहे हैं, आपका जिसको इशारा है? वो बार बार मुस्लिम्स के उत्पीड़न की, मुस्लिम की चिंता करते हैं, बात करते हैं, तो ये बातचीत सांप्रदायिक हो जाती है। और अब जब भारत हर तरह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित हो रहा है, दुनिया के तमाम देश भारत को सम्मान दे रहे हैं, ऐसे में जाति की, संप्रदाय की, मजहब की चिंता करना या उसके आधार पर अभियान चलाना ये उचित नहीं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।